हम लेके आए हैं ब्रेड पकोड़े की रेसिपी, पनीर के ब्रेड पकोड़े की रेसिपी हम लेके आए हैं, बिल्कुल ही अलग स्टाइल में हम लेके आए हैं। वैसे एक और तरीका है हमारे चैनल पे, अगर जाके आप देखो तो हमने एक और वीडियो डाली हुई है ब्रेड पकोड़े की, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, बहुत कम सामान चाहिए है, और बहुत ही अच्छा और टेस्टी हमारा ब्रेड पकौड़ा घर पे तैयार होगा रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। हमें कुछ आलू को तो कद्दूकस कर लेना और कुछ आलू को हाथ से मैश करना है। जैसे हमने चार आलू लिए हैं तो दो को कद्दूकस कर लेना और दो को हमें मैश कर लेना। और पनीर लेना हमें 200 ग्राम, उसको स्लाइसेस में कट कर लेना है ताकि हम ब्रेड के बीचों बीच रखें। अभी इसमें दो ग्रीन चिली डालनी है, एक कश्मीरी चिली पाउडर डालना है जो कश्मीरी मिर्च होती है, लाल मिर्च पाउडर होता है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, स्वाद अनुसार नमक डाल देना, जीरा पाउडर डाल देना, एक चम्मच गरम मसाला डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जल्दी बन जाता है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता है, बहुत ही इजी स्नैक्स है। एक ब्रेड के ऊपर हमने ये लगा लेना है ब्रेड आलू का जो पेस्ट बनाया है उसको। एक पे हमें लगानी है ग्रीन चिली और साथ में रख देना है हमें पनीर रख देना है। ग्रीन चिली सॉस जो हम बनाते हैं घर पे पुदीने की, वो वाली बनानी है और इसकी साइडें कट करके ऐसे रख लेनी है। अब हमें एक कप बेसन लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब पहले ही ब्रेड के अंदर हमने चटनी भी है, सॉस भी है और आलू का पेस्ट भी, अगर इसमें भी सब कुछ डाल देंगे, अजवाइन वगैरह डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है और इसके जो ये जो हैं मोटे मोटे इनको तोड़ देना है। थोड़ी सी अगर आप चाहो तो एक चुटकी हल्दी डाल सकते हो। अब ये गुठलियाँ जो हैं उनको तोड़ लेना, अपने हाथ से क्रश कर लेना है। अब इसमें पानी डालेंगे और एक लिक्विड तैयार करना है, इतना थिक नहीं करना है, हम आपको दिखाएंगे स्पून की सहायता से। आप एक बार बैक पे देख लें कि सिर्फ एक पतली सी लेयर बने, ज़्यादा थिक नहीं करना है। पहले इसके जो गुठली है उनको तोड़ लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, गुठली नहीं बचनी चाहिए, एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो है हमारा बैटर है ये हो गया है तैयार। ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थिन ही चाहिए है, क्योंकि अगर ज़्यादा बेसन की लेयर बन गई तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कम ही लेयर होनी चाहिए। देखिए हम अब आपको स्पून की उससे दिखाएंगे, देखो इतनी पतली लेयर बननी चाहिए, देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब हम ब्रेड जो है ऑलमोस्ट हो गई तैयार, हमने तेल को भी उबाल लिया अच्छे से। अब ब्रेड को हम इसमें डिप करेंगे, देखो ना तो इसमें ज़्यादा वो होनी चाहिए, ज़्यादा परत होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑयल है अगर वो अंदर चला गया तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए ना तो ज़्यादा पतली करनी है ना ही मोटी करनी है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ खाएं आप, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक बार घर पे बनाएंगे तो बाहर का खाना तक भूल जाएंगे, इतना टेस्टी हमारा पनीर ब्रेड पकोड़ा बना था।
देखिए गोल्डन ब्राउन का हो गया है हमारा ब्रेड पकौड़ा। अब इसको निकाल लेना है। इसको टमाटो केचप और ग्रीन सॉस जो है, हमने जो पुदीने की चटनी अंदर डाली थी, या तो आप उसी के साथ ले ले, या हमने ग्रीन चिली सॉस ली है। देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा हो गया है तैयार। अब हम इसको कट करेंगे बीचों बीच। देखिए कितना क्रिस्पी है। देखिए हम खोल के दिखाते हैं आपको। देखो कितना कलरफुल लग रहा है ना। ओके, आई होप आप भी बनाएंगे अपने घर पे, फैमिली को खिलाएंगे। चलिए हम तो खाते हैं जाके, हमने तो चाय भी बना ली है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। बाय बाय, टेक केयर, हर हर मा